हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुप्रिया नेचर एट होम से। आज के इस वीडियो में हम बोस्टन फर्न के केयर और प्रोपगेशन के बारे में जानेंगे। नासा के स्टडी के अनुसार बोस्टन फर्न एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जो एयर से फॉर्मल्डिहाइड, टॉलविन, जैलिन जैसे हानिकारक तत्वों को फिल्टर करता है। बोस्टन फर्न बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, तो सबसे पहले आइए इसके प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि इसे हमें कहाँ रखना चाहिए। इसे उस जगह रखिए जहाँ पर थोड़ी कूल और ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो। इसमें शेडेड लाइट दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं दीजिए। नेचुरली ये पेड़ों के नीचे ग्रो करता है जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट मिलती है, पत्तियों से छन करके इसमें सनलाइट आती है। ये ड्राई इन्वायरमेंट में इसकी पत्तियाँ जो है वो पीली होकर करके गिरने लगती है। नॉर्थ इंडिया जहाँ की बहुत गर्मी होती है, उसे रखना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर इसे शेड में और कूल ह्यूमिड एरिया दें, इन्वायरमेंट दें, तो ये रह जाता है। वैसे ये बहुत हार्डी प्लांट है, तो थोड़ा बहुत ख़राब भी हुआ तो भी ये बच जाता है। थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो उसको फिर राइट इन्वायरमेंट में इसको अगर रख दें तो ये रह जाता है। इसमें जो सॉयल है वो वेल्ड्रेन सॉयल दें। वेल्ड्रेन सॉयल बनाने के लिए इसमें एक भाग सॉयल और एक भाग जो है कोकोपीट और एक भाग ऑर्गेनिक कंपोस्ट दें, तो ये इसमें बहुत अच्छे ढंग से वेल्ड्रेन सॉयल बन जाती है। ये पेड़ों के नीचे जो है पत्तियां बहुत सारी जो गिरी होती है, तो वे उस पर ही ये ग्रो करता है। इसमें वाटर ठहरता भी नहीं है और हमेशा ये मॉइस्ट रहता है। इसी तरह हमें घर में भी इसको मॉइस्ट रखना होगा। मॉइस्ट रखने के लिए इसमें जो है वाटर का स्प्रिंकल करें। वाटर इसके ऊपर जो है ये बहुत पसंद करता है वाटर का स्प्रिंकल। जैसे कि अभी गर्मी है तो गर्मी में इसे बार बार जो है इसमें स्प्रिंकल करना पड़ेगा। बारिश के दिन में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्प्रिंकल करने की, क्योंकि बारिश के समय ऑलरेडी कूल रहता है और उसमें पानी हमेशा पड़ी रहती है। उसके वेदर जो है उस समय बहुत ड्राई नहीं रहता है, ह्यूमिड वेदर रहता है। और इसको मॉइस्ट रखने के लिए एक काम और कर सकते हैं, ह्यूमिड रखने के लिए और एक काम और कर सकते हैं कि इसमें जो है कोकोनट हस्क जो है इसके चारों तरफ आप डाल दें। जब ये कोकोनट गर्मी से जब इवेपोरेट होगा तो इसके लीफ को भी जो है वो सॉफ्ट और फ्रेश रखेगा। तो आप इसके चारों तरफ घुमा कर करके जो है कोकोनट हस्क डाल सकते हैं इस ढंग से। इसको एक काम और कर सकते हैं, इसको प्लांट के बीच में बहुत सारे चारों तरफ प्लांट रख करके इसको उसके बीच में भी रख सकते हैं, ताकि और अदर प्लांट से जो इन्वायरमेंट ट्रांसपिरेशन जो होगा तो उससे भी चारों तरफ इसको मॉइस्ट रखेगा। और एक काम और है कि इसमें जो है इस ढंग से प्लेट में स्टोन डाल करके के रख सकते हैं। प्लेट में स्टोन डाल दीजिए, उसके उस पर पानी डाल दीजिए और इसके ऊपर ये जो है रख सकते हैं। तब ये जो पानी इवेपोरेट होगा तो इस इन्वायरमेंट को कूल रखेगा, मॉइस्ट रखेगा। ये जो पॉट है, गमला जो है, ये पानी में डूबा नहीं रहना चाहिए, ये पानी के ऊपर ही रहना चाहिए। पानी बस नीचे में ही स्टोन को ही भिगा हुआ रहना चाहिए, तो ये जो इन्वायरमेंट होगा यहाँ का तो बहुत सॉफ्ट रहेगा, बहुत कूल रहेगा और प्लांट को जो है मॉइस्ट रखेगा। इसको बीच बीच में स्प्रिंकल जरूर करना चाहिए, इस ढंग से जो है इसके स्प्रिंकल करना चाहिए। अब इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसे फर्टिलाइजेशन का वैसे बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन चूँकि ये फॉलियस प्लांट है तो आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइजेशन जो है वो आप दे सकते हैं। वैसे हम जो है सारे प्लांट्स में मेरे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का 19:19:19 रेशियो का हम हमेशा रखते हैं, जिसको हम हर महीने में एक बार जो है हम सभी प्लांट्स में डाल देते हैं, क्योंकि अलग अलग रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अलग अलग रेशियो का बहुत सारे फर्टिलाइजर रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम सिर्फ एक ही रखते हैं। लेकिन इसमें नाइट्रोजन रिच जो है वो फर्टिलाइजर इसमें डालिए। अब इसके प्रोपगेशन की बात करें तो वैसे इसमें बहुत सारे प्लांट हम इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो रूट रनर है
वो रूट रनर ही ये डिवाइड करता है। जैसे आपको दिखाते हैं, ये जो रूट्स है, हर लीफ में के नीचे जो है रूट्स होता है, तो उसको निकाल सकते हैं, किसी भी रूट्स को इस ढंग से डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड इसमें बहुत सारे 4-5 इसमें निकल जाएगा। और जैसे कि अभी हम निकाल के आपको दिखाते हैं, जैसे ये लीफ है, लीफ के नीचे वाले पोर्शंस को इस ढंग से करके नाइफ से या फिर ऐसे ही धीरे धीरे इसको कर करके निकाल लेंगे। देखिए ये इसके ऊपर ये लीव्स है और लीव्स के नीचे जो है रूट्स है। और इसको एक सिंपल इस ढंग से इसको लगा देंगे। बिल्कुल इसमें कोकोनट हस्क है और कोकोपीट है, काउडंग कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट दीजिए और इसमें इस ढंग से पानी डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने प्लांट लविंग फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।